लाती हूँ। अच्छा लगा आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा, नाइस लगा। भाई ने कार चलाया तो या ऐसा कार लेके आया, ऐसा चला गया किधर? इधर से इधर? ओ हाँ, कैसा चलाया कार? ऐसा चल जा। गाइस हम आए हैं पेट्रोल पंप। ये मेरी चिंगू गैंग, बाहर है गिरीश और वो ताई डाल रही है हमारा पेट्रोल, क्योंकि आज हमने जाना है। सो हमने सोचा कि जाने से पहले पेट्रोल का काम खत्म कर दें और हमारी हुरेन को एक राउंड भी मिल जाए, वहाँ कर दो। ये तो पता चल गिरीश। हेलो, हमारा पेट्रोल डलवा हो गया। हाय, हमारा घर जैसा पेट्रोल पंप है, सब जानते हैं हमें, माशाल्लाह यहाँ पे। क्यों रो रहा है मेरा जान? मेरी जान, सब बाहर चले गए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आज बाहर से खाना है, तो चलो लेके आओ। अब मैडम रो रहे हैं कि मेरे को भी जा जा, आपको पता है सब दौड़ के भाग जाते, क्या क्या खाना है, कौन लेके जाएगा मेरी जान को? अच्छा आ रहा है भाई अल्तमाश, जल्दी आ जा बेटा, उसका पहले पैक कर दो, उसका कर दो। देखो कब आ रहा है भाई। तो बस अभी हम घर चलते हैं, रेडी होते हैं। आज मुझे मेरे एडवोकेट की तरफ जाना है, जरूरी काम है। ये क्यों आ रहा है गिरीश? हाँ रुको, भाभी वो गाड़ी में खा रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं। उसको बोलना मम्मी खड़े नहीं रहेंगे, पैक करवा। सो जा। तो यहाँ पर हमारी हुरैन ने एक शॉर्ट वीडियो देख लिया था हैप्पी बर्थडे वाला, और इसलिए हुरैन ने यहाँ पर हमने केक ला के दिया, वो कट कर रही है और अब एडिटिंग देख रही है तो कह रही है पैपी पैपी, मतलब उसको फिर से केक कट करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुरैन सुल्तान, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा को खिलाओ हुरैन। हाँ मम्मा ये लो। अच्छा अब मम्मा खिलाएंगी हुरैन को। हुरैन ये लो। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का व्लॉग हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया है, 9 बज गए हैं, निशा आ चुकी है, मोस्टली काम डन हो गए हैं और देखते हैं आज हमारे घर क्या बन रहा है। लंच की तैयारियां तो भी रुक के स्टार्ट करेंगे, बट क्या बनता है देखते हैं। वहां पे हो रहा है लिविंग में मॉपिंग, किचन के काम, एवरीथिंग डन हो चुका है, बस खाना गर्म हो रहा है। गिरीश के घर से आ रहा है मेथी गोश्त, मैंने बनाया है मिक्स वेज दाल फ्राई। दुबई हट जाओ, चलो चलो सब दुबई। तो आज हम सारी फैमिली एक साथ बैठ के लंच करेंगी और आज मेरा 4 बजे का अपॉइंटमेंट है अर्बन कंपनी से, क्योंकि आज मैं ले रही हूँ मेरा हेयर कट। मैं उमरा पे गई थी ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, मैंने हेयर कट नहीं लिया था, एंड फाइनली 1 साल के बाद मैं आज हेयर कट ले रही हूँ। अब मेरे जो स्मूथनिंग मैंने करवाई थी ट्रीटमेंट, वो सब उतर चुका है, तो मैं पहले हेयर कट लूँगी और फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैं अपने बालों पे जो भी मुझे ट्रीटमेंट लेना है बोटॉक्स का, वो बता रहे थे कि वो अच्छा है, और या फिर केराटिन स्मूथनिंग जो होता है वो, स्ट्रेटनिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि वो उसी में हो जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए मुझे अर्बन कंपनी से ज्वाइन कर लिया है हमारी अस्मिता, हम मिले फर्स्ट टाइम। तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है हमारा हेयर कट, हम ट्राई कर रहे थे। सबको पता है कि मैं जब उमरा गई थी मेरे हेयर लेंथ काफी छोटे हो गए थे, मैंने उसके बाद से कभी हेयर कटिंग नहीं करवाया, और जब दुबई गई थी मेरे हेयर जो जला दिए थे, जो व्लॉग आप सभी ने मेरे को इतना डांटा था क्यों करवाया, तो उसके बाद अब मैं फर्स्ट टाइम हेयर कट ले रही हूँ, तो बस अच्छे से हो जाए। अच्छा हाँ, फिर हम स्मिता हम हमेशा आपको मिला करेंगे, है ना स्मिता? यस 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 बिल्कुल। ये दोनों मम्मी है। अच्छा
गाइस मेरा हेयर कट डन हो गया है। मेरे हेयर जितने ज़्यादा मतलब हल्के लग रहे थे ना कटिंग के बाद, अब थोड़ा बाउंस आ गया। गाइस मेरा हेयर कट डन हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भले थोड़े छोटे हुए क्योंकि मेरा प्रॉब्लम था बालों का, और लेकिन बाउंस बहुत अच्छा आ गया है। वेरी हैप्पी गाइस, ये मेरा छोटू। छोटू अच्छा लग, यस अच्छा लग रहा है। हाँ जी। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू छोटू। देखो मेरे बाल, ये सारे वो बाल हैं जो बहुत ज्यादा रफ हो चुके थे। अब मैं इंशाल्लाह कराऊंगी ऐसा हेयर कलर। गाइस हेयर कटिंग डन हो गया और हम लोग चाय पी रहे हैं। स्मिता लकी आ गया क्या? स्मिता को करना थोड़ा बहुत देखा, तारीफ पूरी तारीफ तो मैं करूंगा नहीं जिंदगी में किसी की ना। मच्छर गिर रहा है। लकी मजाक कर रहा है। फ्रेंड वाओ कौन लाया? मम्मी पापा लाए ना। खा लो। और हाँ ये है मेरा आज का ब्यूटीफुल सा आउटफिट जो कि बहुत ही प्यारी है। इसकी कौन सी सलवार है? ये पठानी सलवार, और बहुत ही प्यारा इसमें ना ये वाला प्योर का जो लेसिंग होता है वो है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मिरर वर्क है, बहुत ही प्यारा सा है ये ड्रेस। इसका फैब्रिक भी प्योर का है। The next day. Assalamualaikum, very good morning guys. यहाँ पे रात में इतनी बारिश है, फिर से गिरी है ना, आज इतने बादल हो चुके हैं और वेदर इतना ठंडा हो चुका है, तो इस प्यारी सी ठंड में आज हमारे घर बन रहा है मेथी गोश्त। और बस मैं मेथी तोड़ रही हूँ, लेकिन एक साइड पे गए हुए हैं किसी के साथ, बस वो आ जाते हैं। उसके बाद लंच और आज का रूटीन स्टार्ट। तो आज मेरे लंच में है दाल फ्राई, भिंडी टमाटर, राइस एंड फुलका। अचार भी दे दो। मुझे विंटर के इतने प्यारे सूट्स रिसीव हुए हैं, इवन पाकिस्तानी जो पठानी सलवार वाले अनारकली आते हैं वो भी मीशो से इतने अफोर्डेबल प्राइस में। बस एक बार ये मेथी का काम ख़त्म हो जाए, मतलब बहुत ही बोरियत वाला काम है ये, बट करना है क्योंकि शौहर जी के लिए बनानी है मेथी गोश्त। गाइस मुझे इतने प्यारे प्यारे सूट्स रिसीव हुए हैं तो मुझे विंटर के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये, ब्लैक कलर में। वैसे तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का वेलवेट का ड्रेस है डिजाइनर, वो इतना क्यूट है, बट वो मेरे उस वाले घर में है। मैं भी जाऊंगी तो उसे वेयर करूंगी। ये देखो, और इस पे इस पर काम इतना प्यारा हुआ है। ये वाला काम है, स्लीव्स पर भी है और इसके प्लाजो पर भी है, इसके दुपट्टा पर भी है। ये इसका पैंट है, मतलब वेयर करने में बहुत प्यारा लग रहा है। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं मीशो पर। ये देखो 2.25 मीटर का बड़ा दुपट्टा है, पन्ना भी काफी अच्छा है। तो फुल जो बोलते हैं ना विंटर पार्टी वेयर ड्रेस है ये वाला। इसका प्राइस भी काफी अच्छा है, 1000 रुपीज में है ये वाला ड्रेस, जो कि मिंत्रा वगैरह पे तो अवेलेबल नहीं है ना ही कोई इंस्टा पेज पे अवेलेबल है। दूसरा ड्रेस है पाकिस्तानी पठानी सूट जो कि पठानी सलवार के साथ है। तो ये है तो अनारकली कुर्ता, बट इसकी सलवार जो है वो पठानी है सलवार है, इसका वर्क है पोंचो पे। ये अनारकली है और ये पूरा वर्क है इसका। यहाँ पर साइड में ये आलिया कट जो बोलते हैं इसके कट्स है, और सलवार की तो इसकी बात ही बहुत अलग है। देखो ये पोंचे है पठानी वाले, और इससे पूरा ही मिरर वर्क और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, प्लस आपको ये गोटा पट्टी दी गई है प्योर का है 2.25 मीटर का। ये भी ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रेस अच्छा है, थैंक यू, आपका आएगा अभी। थर्ड ड्रेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, ये जितने भी सूट्स हैं उनसे ज्यादा। ये लेवेंडर शेड में है और ये भी पठानी जो सलवार आती है ना उसी के साथ है। इसका कुर्ता वर्क, पैच, मिरर वर्क, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क और इसका प्रिंट बहुत ही क्यूट है। तो ये आलिया कट है, यानी सलवार पे पोंचो पे आपको पाइपिंग विद गोटा पट्टी दी गई है, ये भी बहुत क्यूट है। तो ये मैं वेयर करूंगी अभी नेक्स्ट। हाँ हाँ जी, आपका नहीं है बेटा, मम्मा का है। हाँ आपका है, मम्मी का है, ठीक है आपका आएगा अभी। ठीक
तो ड्रेसेस तो बहुत क्यूट है और ग्रैन से कम क्यूट है ना हुरा? सच्ची? ये है मेरा आफ्टरनून वाला स्नैक जिसमें है तिल के लड्डू, ये है चकली, ये है चूड़ा और ये है पेस्ट्री कट पीसेस जो कि ड्राई फ्रूट्स के साथ है, तो मैं इसे चाय के साथ लूंगी अभी। हाँ लक्की भी खाएंगे मेरे साथ। हाँ जी क्या फोर पिज्जा आ रहे, 3 20 फोर नहीं मंगाने मेरी जान, 3 मंगाओ। हुरैन आप तो एक ही खाओगे ना? रात में यहाँ फिर बहुत ज्यादा बारिशें हुई है, पूरा गार्डन देखो हमारा ये सब गिल्ला था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेदर इतना प्यारा लग रहा है ना देख के, मजा आ रहा है। अभी जस्ट हमारे घर पे क्लीनिंग स्टार्ट हुआ है। ये मेरा हुरा, ये हुरा अच्छा मस्ती कर रहा है हुरा दुबई के साथ। तो सब उठ चुके हैं घर में, इवन लक्की भी, और आज तो लक्की जो है कुकिंग भी करेंगे, आज बना रहे हैं। ये है तुअर दाल की फली और इसे निकालने में इतनी मेहनत लगी है मुझे। ये लक्की बना रहे हैं गोश्त के साथ, मैं आपको बताऊंगी। तुअर की फली को हरी मिर्ची अदरक लहसुन के पेस्ट में गोश्त के साथ पकाते हैं, इसकी सब्जी बहुत स्वाद बनती है। बस अभी वो रेडी करेंगे। बोल अल्लाह, अभी हो जाएगी। अल्लाह जी, अल्लाह, अल्लाह, मेरे पापा को अच्छा रखो। अल्लाह करो। अल्लाह हमारे काम में फतेह करो। अल्लाह तो ये आ चुके हैं बहुत सारे पार्सल जो सारे ही मिंत्रा के हैं, ये 8 पार्सल्स हैं। अच्छा तो यहाँ पे जो मैंने अनबॉक्स कर लिए हैं गाइस, ये देखो बारिश आज इतनी तेज है हमारे घर पे, रुकी थी मॉर्निंग में थोड़ा देर, अब फिर स्टार्ट हो गई। क्लीनिंग तो सब डन हो चुका है। अरे मेरा दुबई, दुबई क्या मेरे पीछे पीछे आते हो? चलो चलो मेरी जान, चलो 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 चलो। रेन फ्रेश हो गया है जस्ट, और इसका ये कॉर्ड सेट जो कि वेल बॉटम में, ये लकी लेकर आए माशाल्लाह। तुअर दाल की फली का मटन में बन रहा है ये, और ये है वो तुअर दाल की फली। इसे हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई किया, इसका बाद में ठेचा किया, अब इसमें मटन डाल के बना रहे हैं। ये कहाँ की डिश है? हमारे गांव। ये देखो ये नॉनवेज, और अभी ये बन रहा है गाइस। गांव की डिश खाएंगे आप खाएंगे गांव की डिश? और इधर अल्तमाश की पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। अल्तमाश, अल्तमाश और उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं पार्टी आज। बारिश रुक रही है, वो देखो वो टीम आधी वहां से उतर रही है सीढ़ियों से, और वहीं टेरिस पे इनकी पार्टी है क्योंकि अल्तमाश के एग्जाम्स है, तो मैं अल्तमाश को लेके जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सैलेड भी हो चुका है रेडी, अब इसमें डालेंगे लेमन और काला नमक। ठंडी में पानी में लाना उसको, खोलो भाई यहाँ से। देखो मेरी गाड़ी के चार्ज लगेंगे बेटा, फुल टैंक करके रख रहा हूँ। वेरी गुड। चलिए तो मौसम की खराबी की वजह से आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये देखो एक तरफ दुबई और एक तरफ है ये वाला कैट। सभी खुश रहें, पॉजिटिव रहें और नमाजों की पाबंदियां करें। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब के आगे झुकें और सिर्फ और सिर्फ दुआएं करें। कोई भी चीज़ मुमकिन नामुमकिन हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। तो इस चीज़ पर अपना अकीदा रखें और मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट पर्व में।